सीडी गई कहां? भाईजान, वो अम्मी ने मुझसे कहा है कि आपको बता दूं कि वो प्ले देखने गई है टाउन थिएटर में। मैंने सुना है आपकी अम्मी प्ले देखने गई हैं। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आप कौन बोल रही हैं। कौन बोल रही हूँ वो भूल जाओ, क्या बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरा कहा मानिए और अपने घर की औरतों को काबू में रखना सीखिए, वरना वो काम बाहर वालों को करना पड़ेगा। कैसी बेहूदी और घटिया बातें कर रही हैं आप हैं कौन? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। शुक्रिया। मेरे बुलाने पे तुम यहां पर आए, इस बात के लिए शुक्रिया। मैं यहां आपके बुलाने पर नहीं आई हूं, मैं यहां प्ले देखने आई हूं। अगर मुझे ये पता होता कि आप यहां आ रहे हैं तो मैं रुक जाओ। दिलशाद, किस्मत ने हमें मिलाने का फैसला ले लिया है दिलशाद, तभी तो हम लोग यूं बार बार मिल रहे हैं। तुम मुझसे तो लड़ सकती हो दिलशाद, मगर हमारी किस्मत से नहीं। राशिद, भाभी नहीं, चलो श्री। हाथ क्यों छोड़ दिया तुमने? ये पकड़ी रहो, सब कुछ तो छोड़ चुकी हो तुम, शर्म, हया, खानदान की इज्जत, कम से कम हाथ तो पकड़ के रहो। आखिरकार राशिद मियां की जिंदगी में दोबारा आने का तुम्हारा ख्वाब पूरा हो ही गया। एक शर्म नहीं आती तुम्हें एक पराए मर्द पर डोरे डालते हुए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने बरसों के बाद भी ये पराए नहीं लगते तुम्हें? आप जैसा समझ नहीं है वैसा कुछ नहीं है। अब देख लो शिरीन, अपने खावन की करतूत को अब आंख खोल के देख लो, अपने शौहर को और उसकी सौतन के मोहब्बत के नजारों को। ऐसे खामोश क्या खड़ी हो? अल्लाह के वास्ते कुछ बोलो शिरीन। मैं आपसे फिर कह रही हूं, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। कहां जा रही हो? दूसरों के घर में आग लगाओगी ना तो उसकी तपिश से
खुद बच नहीं पाओगी। अब अपनी लगाई हुई आग की आंच खुद पर आई तो भाग रही हो? इतनी जलील औरत हो तुम। भाभी क्या कह रही हैं आप? आप तो चुप रहिए राशि भैया। इतने बड़े इज्जतदार खानदान के दामाद होकर आपको शर्म नहीं आई एक दूसरी औरत का हाथ पकड़ते हुए? हरकतें करें आप, पर लोग तो हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे ना। लोग तो हमें ही सुनाएंगे ना कि आपके बहनोई दूसरी औरतों के साथ घूमते फिरते हैं। अल्लाह कसम, ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना दिलशाद, ये कहीं और जाके बहाना। तुम्हारी जैसी जादूगरनियां मैंने बहुत देखी हैं दिलशाद, जो पहले खुद अपने दामन पर दाग लगाती हैं और उसके बाद ये उम्मीद करती हैं कि वो दाग उनके ही आंसू से धुल जाएंगे। एक बात कान खोलकर सुन लेना तुम, औरत के दामन पर लगा हुआ दाग कभी नहीं धुलता। मेरा दामन मेरी दुआओं की तरह ही पाक है। तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? शीरीन मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? अरे ये नागिन तुम्हारी खुशियों को डसे जा रही है और तुम यहां खड़ी खड़ी रो रही हो, बस कुछ बोलती क्यों नहीं? हर्षित, आपने ऐसा क्यों किया? शीरीन, शीरीन बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। अरे तुम राशिद से क्यों पूछती हो? इससे पूछो, अगर कोई बेगैरत औरत अगर मर्द के पीछे ही पड़ जाए, उस पर डोरे डाले, तो आदमी का पैर फिसलने में कितनी देर लगती है? तुम तो हम पर एक एहसान करो। अरे क्यों इस बेचारी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जाकर अपने लिए कोई और मर्द क्यों नहीं ढूंढती? भाभी, आपको इस तरह किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। इसे रंगरलिया मनाने का हक है, पर हमें सच बोलने का हक नहीं है। राशिद मियां, कुछ खा लीजिए। सरप्राइज, आपका फेवरेट केक मैंने और नजमा ने खुद बनाया है, चलिए काटिए। पर केक तो केक स्पेशल ओकेजन या किसी खास मौके पर काटा जाता है ना? और खास बात यह है कि पुप्पी इस वर्ल्ड की बेस्ट मॉम और बेस्ट होस्ट है। वो तो है। यस पुप्पी, यू आर। आपके साथ बिताया वो हर दिन मेरे लिए स्पेशल है, तो ऐसे ही स्पेशल ओकेजन के लिए हमने ये केक बनाया है और पुप्पी ये केक काटेंगी। चलिए कम ऑन, केक काटते हैं। ये केक बाहर चल के काटे। ओके चलिए पुप्पी। सॉरी एक्सक्यूज, मेरे क्लाइंट का फोन है, गिव मी मिनट। हम बैठते हैं, कम। हेलो, ये आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी जरूरी काम में फंस गया था। ओह, आप आधे घंटे में निकल रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ आपको, बट वो एक्चुअली वो सीडी मुझे मिल नहीं रही। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।